रहा है भाई। लेकिन आज हमारे पास यहाँ पे है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। ये तीन डेफिनेशन है प्लस एग्जांपल और साथ एवोगैड्रो नंबर और मोल। हमारे पास सबसे पहले आ रहा है व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, गिव एग्जांपल। इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास, गिव एग्जांपल। ग्राम फार्मूला मास एंड गिव एग्जांपल। तो सबसे पहले डेफिनेशन है, इसी हेडिंग के अंदर से हमने डेफिनेशन निकाली है। याद रखें, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम्स। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम, उसे हम नाम देते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अब इसके एग्जांपल लेंगे यहाँ पर 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। अब जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर होता है 12। अब हमारे पास 1 ग्राम एटम ऑफ जो कार्बन है वो किसके बराबर है, 12 ग्राम। ये उसका एटॉमिक मास है, इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सी, यानी कि कार्बन के बराबर है। अब यहाँ डेफिनेशन के अंदर देखिए और एग्जांपल में देखें, इसकी रिजेंबलेंस देखें। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि किसी भी एलिमेंट को आपने किसमें शो करना है, ग्राम के अंदर शो करना है, उसे हम नाम देते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अब दूसरी डेफिनेशन बता दी आपके पास, व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड आल्सो गिव एग्जांपल। डेफिनेशन लिखें और साथ साथ आप इसकी एक एक एग्जांपल दे देते हैं। अब ये भी डेफिनेशन आप इसके अंदर से निकालें, हेडिंग के अंदर से निकालें, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, यानी कि किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हम किसमें शो करें, ग्राम के अंदर शो करें, तो इसे हम नाम देते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो। अब यहाँ पर इसके एग्जांपल है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अब जो वाटर है आपके पास है, वाटर H2O, अगर इसको आप यहाँ पर देखें इसे ग्राम में शो करेंगे 18 ग्राम तो आ रहा है, लेकिन कैसे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, आप इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 2 प्लस 16, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, वो एक जो होता है वो पढ़ा जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 16 ही आएगा, तो 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। आपने इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास को किस में शो करना है, ग्राम के अंदर शो करना है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ वाटर। अब इन आपके पास आते हैं तीसरी डेफिनेशन है, व्हाट इज ग्राम फार्मूला मास एंड आल्सो गिव एग्जांपल। ये भी डेफिनेशन आप वैसे ही निकालेंगे जैसे आप पहले दो डेफिनेशन यहां से निकाल लें। फार्मूला मास ऑफ एन एलिमेंट, फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास। अब यहां पर इसकी एग्जांपल हम देते हैं, एग्जांपल आपके पास CaCl3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर, इसे नाम देते हैं। अब इसकी एटॉमिक मास आपको आने चाहिए, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 और कार्बन का एटॉमिक मास होता है आपके पास 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अब यहाँ पर देखें ये कैसे 100 ग्राम आया, कैल्शियम का है 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का बेटा 16। 16 के नीचे देखिए 3 लिखी हुई है, मॉलिक्यूल है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास 48। अब कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर जिसे कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब को आप 48 को प्लस आप 12 को प्लस उसके बाद 40 को आप इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो आपके पास 100 ग्राम आ जाएगा, ये किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो तीन डेफिनेशन है, इन तीन डेफिनेशन की जो हेडिंग है, इस हेडिंग के अंदर से आप आसानी से इसकी डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं और प्लस जब आपको इसके एटॉमिक मैसेज अच्छे तरीके से याद होंगे तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई और प्लस करके आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक दफा फिर देखिए, एटॉमिक मास, एटॉमिक ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट,
एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। अब आप निकाल रहे हैं कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो ये आपके पास आता है 12। इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं किसके अंदर, ग्राम के अंदर इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, शो कर रहे हैं इज इक्वल टू किसके, 1 मोल ऑफ कार्बन के। जब आप देखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन आएगी, तो यहां से मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का एक्सप्रेस किया जाए ग्राम के अंदर, उसे हम नाम देते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एग्जांपल वाटर के लिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 16 + 2 18 ग्राम आ जाएगा इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। ग्राम फार्मूला मास, फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं इसको एक्सप्रेस किया जाए किसके अंदर बेटा, ग्राम के अंदर, उसे हम नाम देते हैं ग्राम फार्मूला मास। एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट के दे दें या फिर सोडियम क्लोराइड के दे दें, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और क्लोरीन का होता है आपके पास 35 और क्लोरीन को प्लस कर देंगे तो सोडियम क्लोराइड का भी 58.5 आ जाएगा। यानी जो आपके जहन के अंदर आती है एग्जाम्पल वो आप यहाँ पर ले सकती हैं, जरूरी नहीं आप कैल्शियम कार्बोनेट दे सकते, आप के NO3 दे दें, NaNO3 दे दें, आप सोडियम क्लोराइड दे दें, जो आपके जहन के अंदर, लेकिन याद रखना उसके एटॉमिक मास आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। ये थी बेटा इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अब एवोगैड्रो नंबर की जो डेफिनेशन है वो है द कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लेक्स एन इज 23 Na पार्टिकल्स इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लेक्स 10 डेज Na 6.02 मल्टीप्लाई 10 डेज 23 पार्टिकल्स, इसे हम नाम देते हैं एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो को शो किया जाता है किससे, Na से। अब यहां पर देखिए Na, अगर मैं समान ए लिखता तो ये सोडियम की सिंबल बन जाती है, आपने समान ए लिखना कैपिटल नहीं लिखना, लेकिन वो Na से साइज क्या हो छोटा हो। अब एवोगैड्रो जो है ये इसका तालुक, ये इटालियन स्कॉलर था, ये इसका पूरा नाम एमिडो एवोगैड्रो, एमिडो एवोगैड्रो ये इटालियन स्कॉलर था और इसने पार्टिकल, इसने नंबर डिस्कवर किया और अपने ही नाम से उसे लिख दिया कि ये एवोगैड्रो नंबर्स हैं। वो नंबर कौन सी हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10 डेज 23 Na। अब इसकी एग्जांपल आ रही है एवोगैड्रो नंबर के, इसके एग्जांपल 6.02 मल्टीप्लाई 10 डेज 23 एटम्स ऑफ कार्बन आर इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। यानी कि आपके पास पीरियाडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, सिर्फ कार्बन ही कह रहा हूं, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, सोडियम भी है, कोई भी एलिमेंट है, अब वो कह रहा है उसके अंदर कार्बन के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10 डेज 23 एटम्स मौजूद हैं, ठीक है, वो सारे इक्वल में किसके, 1 मोल ऑफ कार्बन के बराबर है। यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं उनके अंदर जो एवोगैड्रो पार्टिकल्स हैं वो सारे किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ कार्बन के बराबर है, क्योंकि आपने पहले कार्बन की एग्जांपल ली है, तो यहां पर आप देखेंगे दे आर इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ कार्बन। अब और एग्जांपल है, आप दूसरी एग्जांपल के अंदर देखें, उधर मैंने ली बेटा कार्बन की एग्जांपल, अब इधर मैं किसकी ले रहा हूं, वाटर की एग्जांपल ले रहा हूं, 6.02 मल्टीप्लाई 10 इज 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। अब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं आर इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ वाटर, देखे ना, जितने भी आपके पास एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, उसके अंदर एवोगैड्रो के ये पार्टिकल्स मौजूद है और ये सारे किसके बराबर है, इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर के। अब इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमारे पास एवोगैड्रो को मजीद समझने के लिए हमने फर्दर एक्सप्लेनेशन की है, हमने और एग्जाम्पल लिए ताकि आसानी से आपको मजीद समझ आ सके एवोगैड्रो को समझने के लिए। अब यहाँ पर देखें 1 मोल ऑफ वाटर, अब वाटर का एक आपके पास मोल है मेड अप ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब बेटा जो वाटर का आपके पास एक मोल है, वाटर का एक मोल, इसके अंदर देखिए आपके पास 2 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के, यहां पर लिखा हुआ है H2। अब O के आगे यानी कि कुछ नहीं, इसका मतलब है एक जो है वो लिखा नहीं जाता बल्कि वो पढ़ा जाता है। अब यहां पर आपके पास 2 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के, और एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का है। अब यहां पर देखिए 1 मोल ऑफ वाटर
मेड अप ऑफ टू एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब जब ये मिलेंगे तो क्या बनेगा, व्हाट विल हैपन? अब यहां पर देखिए आपके पास टू, यहां पर लिखा हुआ है टू आपके पास एटम है मेरे मिसेस के हाइड्रोजन के। अब इसके अंदर एवोगैड्रो के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10^23। अब आपने क्या करना है, इस एटम को आपके पास जो हाइड्रोजन के जो दो एटम है इसे आप मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, एवोगैड्रो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एवोगैड्रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये कितने आ जाएंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 12.04 मल्टीप्लाई 10^23 एटम आपके पास आ जाएंगे किसके, हाइड्रोजन के। एंड आप यहां देखिए ऑक्सीजन के साथ कितने एटम है, नहीं है यहां पर देखिए ये सिर्फ एक ही एटम मौजूद है, जब एक एटम है तो इसके अंदर एवोगैड्रो के पार्टिकल्स कितने मौजूद है, 6.02 मल्टीप्लाई 10^23। अब 6.02 मल्टीप्लाई 10^23 मल्टीप्लाई 1 तो वो तो बिल्कुल सीधा ही इसकी सही कैलकुलेशन आ जाएगी, यानी कि वही का वही 6.02 मल्टीप्लाई 10^23 एटम्स आपके पास आ जाएंगे किसी से, ऑक्सीजन के। इसके बाद दूसरी एग्जांपल बेटा आपके पास है, वन फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl कंटेन सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयन। जो सोडियम क्लोराइड है कंपाउंड है ये जब ब्रोक होता है तो उस वक्त सोडियम आयंस बनते हैं और क्लोराइड आयंस बनते हैं। अब यहां पर देखें 6.02 मल्टीप्लाई 10^23 नंबर ऑफ सोडियम आयंस। अब सोडियम आयन यहां NaCl, यहां पर कोई एटम नहीं है, अगर 2, 3, 4 कुछ होता तो हम उसके साथ उसे मल्टीप्लाई कर देते, कुछ नहीं एक लिखा नहीं जाता पढ़ा जाता ये, तो 6.02 मल्टीप्लाई 10^23 नंबर ऑफ सोडियम आयन। इसी तरह क्लोरीन की है 6.02 मल्टीप्लाई 10^23 नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस। अब इनको आपने क्या करना है बेटा, इकट्ठा करना है, प्लस करना है सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस, इन दोनों को आपने आयंस को क्या करना है, इकट्ठा करेंगे सोडियम क्लोराइड बनेगा। आप यहां पर देखिए सोडियम के और क्लोराइड के इन दोनों को आप क्या करें, 6 और 6 कितने हो गए आपके पास, 12 हो गए, ये पॉइंट वैसे आ गया, 0 भी आ गया, 2 और 2 ये 4 हो गए, और ये पावर आपने वैसे लिख देंगे। फिर अब यहां पर देखिए अगर ये वाला पॉइंट 12 के बाद जो पॉइंट आ रहा है अगर ये आगे की तरफ यहां पर मूव करेगा तो यहां से इसकी पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और बनेगी 1.204 मल्टीप्लाई 10^24। तो ये बेटा आपके पास लॉन्ग है, व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। जो पहले आपको यहां पर बताया है ये आपके पास टीम डेफिनेशन है प्लस इसके साथ एग्जांपल है, इस जो भी आप एग्जांपल लिखेंगे यही नहीं कि जो बुक के अंदर है ब्लैक बोर्ड पर लिखी गई है, आपको जो भी एलिमेंट आता है लेकिन उसका एटॉमिक मास आपको सही आना चाहिए, वो आप लिखते हैं उसे एक्सप्रेस करते हैं ग्राफ के अंदर तो इसके रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये एवोगैड्रो नंबर ये बोर्ड के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये अक्सर आ जाता है, तो पहले चैप्टर में ये लॉन्ग है बहुत अहम है। ओके ये बेटा अब हमारे पास जो है लॉन्ग पहले खत्म हो गया था एवोगैड्रो नंबर का, अब हमारे पास है मोल का। अब मोल जो है ये भी लॉन्ग में आता है, डेफिनेशन में भी आता है ये। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं कि व्हाट इज मोल, गिव एग्जांपल और इसका रिलेशनशिप भी बताना होगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, व्हाट इज मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एवोगैड्रो पार्टिकल्स। एवोगैड्रो पार्टिकल्स कौन से होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10^23 Na, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 मल्टीप्लाई 10^23 नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोल। ये मोल की डेफिनेशन, और मोल की जो डेफिनेशन है दूसरे तरीके से भी आ सकती है, कह सकते हैं व्हाट इज द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल, तो ये डेफिनेशन भी लिखेंगे। अब इसकी जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है मोल की, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जैसे कि मैंने पीछे एग्जांपल में बता के आ रहा हूं कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, यहां आप देख रहे हैं सब को, इन सारे मैसेज को आपने किस में शो किया, ग्राम के अंदर शो किया, इसे हम नाम देते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल, ये मोल की डेफिनेशन।
अब ये जो मैंने तीन वर्ड यूज किए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास एक्सप्रेस किया गया ग्राम के अंदर, अब हम इसकी एग्जांपल के साथ इसे एक्सप्लेन करते हैं मोल को। पहले एग्जांपल है एटॉमिक मास ऑफ जो कार्बन है, जो कार्बन का एटॉमिक मास है वो जो कितना होता है वो है 12। एटॉमिक नंबर नहीं लिखना, एटॉमिक मास लिखना। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। अब जो 12 ग्राम है ये किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ कार्बन। यानी कि आपके पास जितने भी एलिमेंट है उनको आप इज इक्वल टू किसके करेंगे, 1 मोल के बराबर करेंगे। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास इसका 12 और इज इक्वल टू करेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन। अब दूसरी इसकी एग्जांपल है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। आपको पता है कि ये किंग ऑफ केमिकल है, सबसे ताकतवर एसिड है, ये तेजाब है ये। अब सल्फ्यूरिक एसिड का आगे लिखा हुआ है 98 ग्राम। अब इसका 98 ग्राम कैसे निकाला है इसको, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। अब मॉलिक्यूल है 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। आगे है सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अब इस 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद 32 से प्लस कर दो, फिर 2 से प्लस कर दो, तो आपके पास टोटल निकलेगा 98 ग्राम किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के। क्योंकि वो पीछे डेफिनेशन में बता है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम। आपने इनके एटॉमिक मास, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, जो भी इनके आंसर आएंगे उसे आपने एक्सप्रेस करना है ग्राम के अंदर। अब 98 ग्राम तो निकल आया, आप एंड पर आके लिखेंगे इसे 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि आप एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास जब आप इसके कैलकुलेट कर लेंगे, निकाल लेंगे, निकालने के बाद आप उसे एक्सप्रेस कर देंगे, शो कर देंगे किसके अंदर बेटा, ग्राम के अंदर, तो फिर इज इक्वल टू कर देंगे ये सारी चीजें 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। या कार्बन के एग्जांपल देंगे तो 1 मोल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन भी देंगे तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। आपके जहन में जो भी एग्जांपल आती है वो लिखिए, लेकिन उनकी एटॉमिक मास आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। अगर एटॉमिक मास आप गलत लिखेंगे तो वो फिर आप अकॉर्डिंग टू बुक वाले याद करें ताकि आसानी से इसका आंसर भी आ सके। अब बेटा ये मोल के अंदर एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में भी आ सकता है। कैसे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास। मोल एंड मास के अंदर रिलेशनशिप क्या होता है, तो सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे ये नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर मोल्स का जो फार्मूला है वो है मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि नॉन मास ऑफ सब्सटेंस, जो आपको सब्सटेंस दिया जा सकता है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, वो नाइट्रिक एसिड है, वो पोटेशियम नाइट्रेट है, वो सोडियम नाइट्रेट है, जो भी नॉन मास ऑफ सब्सटेंस हो, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। मोलर मास, मोलर मास क्या होता है ये निकालना पड़ता है। जैसे आपने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का निकाला हुआ है 98, मैसेजेस के सारे आपने मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, ये सारे आप इसका आंसर निकाल लेते हैं, तो ये मोलर मैसेज है। अब मास ऑफ सब्सटेंस जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर इसका फार्मूला बनाएंगे तो मास ऑफ सब्सटेंस को यहाँ से आप रिमूव करें, निकाल लें, इन दोनों वैल्यू को आपस में क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। जब आप मास ऑफ सब्सटेंस निकालेंगे तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो ये बेटा आपके पास मोल के बारे में आ जाते हैं, लॉ भी आ सकते हैं, व्हाट इज मोल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, इसका रिलेशनशिप भी आ सकता है।